वालेकुम कैसे हैं आप सब सब ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे एक नए वीडियो के साथ मैं आपकी प्यारी सुमैया खिजरा सुमैया अच्छा ये है खाना खाबा की न्यू लुक इसमें भी पहले हमने नीचे नीचे ब्राउन किया स्किन कलर का साइड पे दरवाज़ा सा था वहाँ पे भी आ, मतलब किया स्किन कलर ही लेकिन वो आपको लाइट डार्क लग रहा है लेकिन वो है एक ही कलर फिर मीनार पे हमने कलर किए अच्छा फिर हमने सारा मतलब आराम आराम से भी किया लेकिन यह कि इसमें बहुत टाइम लग गया साथ में मैं दूसरा का एक और काम कर रही थी जिसकी भी हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते तो वो भी मतलब सब साथ साथ ही चल रहा था चाहे देखें ब्लू कलर डार्क ब्लू ठीक है फिर इसके साथ मैंने लाइट टोन में ब्लू पकड़ा उसको मर्ज किया इन दोनों को कलर को ना फिर एंड में वाइट फॉर्म के साथ ना व्हाइट को हमने दे दिया था अच्छा ये बहुत ज्यादा डार्क हो गया देखें ना इसके साथ ही मैं ऊपर ऊपर कलर करती हूँ नीचे नीचे डार्क डार्क में आ जाता है ये देखें वैसे ब्लू कलर मेरा ये है लेकिन वो दो से तीन टोन बन जाते हैं ऐसे ही ठीक है वो नीचे नीचे आता जाएगा और ना सेम ऐसे ही प्रोसेस आ गया है फिर वाइट का मैंने दे दिया ये देखें जरा क्लाउडी क्लाउडी आ गया इफेक्ट ठीक है देन अच्छा अब हमने क्या करना है जी अच्छा इधर देखें इधर मैंने ना ग्रीन के तीन टोन दिए वाइट में लाइट में ठीक है डार्क में और फिर जरा ब्लू टच में थोड़ा दे दिया था हाँ ये देखें अगर आपको नजर आ रहा हो तीन टोन है तीनों टोन में मैंने कलर कर दिए ठीक है और इधर वाइट ही था तो इधर वाइट ही होगा वाइट भी मैंने दो तीन बार किया था ताकि जरा सही से सही वाला लुक आए ठीक है और इधर भी नीचे वाइट था अब जहाँ जहाँ वाइट था ना वहाँ मैंने दो तीन बार किया था कि मतलब आपको पता है ना डार्क के ऊपर लाइट चीज़ जो है वो देर से आती है तो दो तीन बार किया अच्छा मैंने ये आ, ब्लैक मार्कर के साथ इसके जो है आउटलाइन की थी सारे के ये ब्लैक मार्कर मैंने आपको पहले भी बताया कटा हुआ इजिली आराम से मिल जाता है ठीक है सारे की जितने भी था इसका मैंने ड्रॉ पहले कर लिया था और फिर उसके बाद मैंने ब्लैक मार्कर के साथ इसकी डिटेलिंग की फिर बाद में जो शेडिंग वगैरह करनी है वो भी की अच्छा मोटा मार्कर भी यूज़ किया था ठीक है उससे मैंने ये जो हमने डार्क चीज़ें दिखानी थी उससे वो की थी ठीक है बाकी मैंने लाइट से ही की थी और मैंने ना ये है कि मैंने घीसु अप्लाई नहीं ना किया तो कलर ज़रा फैल जाता है लाइट काम नहीं होता वैसे एक रैलिक नहीं फैलता लेकिन बाकी फैल जाता ठीक है थीके? तो इसलिए मैंने कहा ज़रा अभी नहीं अब इंशाल्लाह जो अगले काम होंगे ना वो पहले तो मैंने ये सोचा मैंने कहा यार मैंने तो सारा स्किप कर दिया जो आप लोगों को सिखाना था और पेंटिंग की तरफ आ गई तो अब इंशाल्लाह जो मैंने सिखाना है ना जो मेरा एम है मैं वो पहले करूँगी बाद में पेंटिंग की तरफ ठीक है अभी आया था माशाल्लाह से और छोटी छोटी आयातें बड़ी आयात हैं और जो तीन टॉन से आते हैं ना डबलिंग की हुई वो है फिर ओवरलैपिंग है ठीक है मैंने बहुत सारा काम है और फिर इन साथ ही मैं ड्राइंग और स्केचिंग भी स्टार्ट करते हैं साथ में नकाशी क्योंकि ड्राइंग और स्केचिंग दोनों सेम सेम इक्वल है और नकाशी भी दोनों ड्राइंग का रिलेट करते हैं तो वो भी साथ साथ इनशाला आपको लेके चलती हूँ ठीक है ये वीडियो आ, पेंटिंग की फिलहाल लास्ट तो मैं नहीं कह सकती एक दो मैंने और बनानी है बनाऊंगी लेकिन ये के साथ साथ मैं आपको सिखाने वाला काम भी ले चलूंगी ठीक है ये हो गया ना अभी आपको लिखना आ गया पता चल गया वर्ड कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, लेकिन आयत को इकट्ठा कैसे कर इकट्ठा करके कैसे लिखते हैं या बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो भी आपको नहीं पता ठीक है वो इन शाला जल्दी करेंगे अच्छा ही देखें दे, बातों में ही मैंने टाइम गुजार लिया और देखें कैसे ना मैंने आउटलाइन कर दी डार मोटे वाले के साथ ज्यादा वाली आउटलाइन कर दिया व्हाइट कलर जो है इसके साइड पर व्हाइट कलर था तो इसको मैंने ज्यादा सारा डबल 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 करके जो है वो किया कि ना व्हाइट कलर नजर आ जाए इससे ठीक है इधर भी जरा कम कम था इधर दोबारा दोबारा कोट किया ठीक है और अभी डिटेलिंग जो है सही से इंशाल्लाह मैं उनको सिखाऊंगी बहुत सारे आइडियाज़ और प्लान हैं सिर्फ यह रमजान की वजह से क्योंकि माशाल्लाह से रमज़ान की अपनी बहुत मसरूफियात होती हैं तो इसलिए भी थोड़ा डिले हो रहा है बस आप लोग दो में याद रखें और अच्छा आप ये देखें लोग आपको क्या करते हैं अच्छा अच्छा सिर्फ बताते हैं अपनी गलतियां नहीं बताते तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड किया कि मैं उनको बताऊँगा गलत हो जाए तो आप सही कैसे कर सकते मैंने जो मोहम्मद लिखना था ना वो मतलब मुझे ना सही नहीं लगा तो मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की लेकिन ठीक नहीं हुआ तो मैंने इसको फिर सारा ही वाइट कर दिया मैं तो नहीं दोबारा करके अच्छा वाइट किया ना तो उसको भी मैंने ऐसे मर्ज कर दिया कि वो क्लाउड इफेक्ट ही इसने दिया गलती हो गई ना मेरे से तो मैंने ठीक भी तो करनी है अब कैसे करनी है वो गलती ठीक उसका भी तरीका मैं आपको बताती हूँ ना सबर करें दादा तबर करें अच्छा ये देखिए मैंने वाइट कर दिया ना ब्रश के साथ किया था अब मैंने फॉर्म के साथ टू ऐसे करेंगे हम ठीक है अब वो ड्राई हो गया तो देखे ना अब मैंने लिखा मोहम्मद लिखा वैसे भी नहीं जैसे मैं लिखना चाह रही थी क्योंकि जगह कम थी लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं अब अब बेहतर है पहले ज्यादा ही था तो थोड़ा सा डार्क कर दिया क्योंकि वाइट के ऊपर जरा सही से नजर नहीं आता ना तो मैंने थोड़ा डार्क कर दिया और ये कम्प्लीट